नमस्कार, हिमालिनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालिनी से मैं अंशुल राजपूत करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। शकनान रंगोत्सव 2021 प्रथम सत्र में शकनाथ मीडिया विशिष्ट सम्मान किए प्रदान। द्वितीय सत्र में राज्यस्तरीय कवि सम्मेलन की रही प्रमुखता। राज शर्मा आनी हिमाचल प्रदेश रंगोत्सव 2021 में शकनान संस्था ने नवाजी साहित्य कला और संगीत से जुड़ी हस्तियाँ राज्यस्तरीय कवि सम्मेलन में बिखरे कई रंग। नाहन साहित्य संगीत और कला के क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देने के लिए शकनाद संस्था ने रंगोत्सव 2021 में प्रदेश भर की कई प्रतिभाओं को शकनाद विशिष्ट सम्मान से नवाजा। समारोह के मुख्य अतिथि हिमाचल संस्कृति कला भाषा अकादमी के सचिव डॉक्टर कर्म सिंह, अध्यक्ष साहित्यकार हितेंद्र शर्मा और विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने माने समाजसेवी प्रो अमर चौहान शामिल हुए। और किसी कारणवश मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव केवल शर्मा इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। पिछले कई वर्षों से राज्यस्तरीय समारोह में लगभग सभी क्षेत्रों और विधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वालों को सम्मानित करने और साहित्य के क्षेत्र में बड़े बड़े आयोजित करने के लिए जानी जाने वाली संस्था शकनान ने इस बार भी प्रदेश भर से साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतकारों को एक भव्य समारोह में विशिष्ट सम्मान प्रदान किया और एक राज्यस्तरीय कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष और संपादक डॉक्टर श्रीकांत अकेला के अनुसार संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर देवराज शर्मा, लोक संगीत में कृष्णा ठाकुर, साहित्य में मनोज चौहान, लोक कला साहित्य में हरिकृष्ण मुरारी, साहित्य प्रकाशन में दलवीर को, खालसा युवा साहित्य लेखन में विवेक भारद्वाज, साहित्य में ही अर्चना शर्मा, जीवन जोशी, लेखन और कला के क्षेत्र में चंदन शर्मा को शकनान विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर श्रीकांत अकेला के अनुसार कार्यक्रम के दूसरे सत्र में आयोजित राज्यस्तरीय कवि सम्मेलन में जाने माने साहित्यकार कृष्ण चंद महादेविया, जीवन जोशी, मनोज चौहान और फिर चिर आनंद सरला, गौतम रविता, सुनीता भारद्वाज, डॉक्टर कुलदीप भाटिया, दीपचंद कौशल, अर्चना शर्मा, दिलीप वरिष्ठ, राम कुमार सैनी, वीरेंद्र शर्मा वीर, विनोद शून्य हरि, कृष्ण मुरारी, कार्तिक शर्मा, गोविंद गौरव, धनवीर परमार, कृष्णा चौहान, इंदु गोस्वामी, प्रियवदा शर्मा, प्रताप पराशर, डॉक्टर ईश्वर राही, हेमराज चौहान, भुवन जोशी, भावन शर्मा, इंद्रप्रीत साहनी, यशिका शर्मा, शबाना शैद, क्यूम सैद, लायक राम भारद्वाज, प्रमोद पारिख, साधना शर्मा से साहित्यकारों ने भाग लिया। इस भव्य समारोह में नाहन के कई बुद्धिजीवी और शिक्षाविद शामिल हुए, जिनमें श्री आर के दुग्गल प्रो अमर को, संदीपक तोमर, डॉक्टर देवराज शर्मा, सत्यम शर्मा, राकेश अरोड़ा, ओंकार जामवाल, सुनीता कान आदि उपस्थित रहे। आगे भी दर्शकों खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए आप हिमालिनी टेलीविज़न के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली अगली खबर आपसे ना छूटे। बंद कलियों को खोल सकता हूँ कि जहां मैं किस कदर आज मैं मर गया, क्या कहूं कि कत्ल कर दिया गया। ढुल रहे हैं जो अनेक वृक्ष, उन्हें फैलने का वर दो। रस सोक रहा भीम गाय वृक्ष, पर वो खुद एक झूठा चेहरा है, क्या सच बता सकता है। दुनिया की इस भीड़ चाल में हर कोई मुखौटा लिए घूमता है, इसलिए मैं नहीं चाहती तुझे कष्ट हो, मैंने तुझे शुद्ध जलवायु दी। तू भूखा न रहे, वृक्षों पर फल लगा दिए, फल सजा दिए। उस दिन नहीं जब ऐसे मारा देख कर निकलते हैं, हम वो शख्स हैं जो बड़ों की दुआएं लेकर निकलते हैं। हमें नजर क्या लगाएगा बेरहम जमाना।
हमें नजर क्या लगाएगा बेरहम जमाना, हम माँ बाप का चेहरा जो देख कर घर से निकलते हैं, हम माँ बाप का चेहरा जो देख कर घर से निकलते हैं। आपका धन्यवाद। मेरी रचना का शीर्षक है क्यों ना मैं भी पत्रकार बन जाऊं, क्यों ना मैं भी पत्रकार बन जाऊं। जहां ना पहुंचे रवि और ना ही कोई कवि, वहां सर्वप्रथम हाजिरी में लगाऊं, क्यों ना मैं भी पत्रकार बन जाऊं। कभी बेच कर छापू तो कभी छाप कर बेचूं, दवादारों का तगड़ा इंतजाम कर पाऊं, क्यों ना मैं भी पत्रकार बन जाऊं। क्या बात है भाई, क्या बात है। धन्यवाद। कभी दूरभाष की सूचना से तड़कती भड़कती खबरें मैं लगाऊं, क्यों ना मैं भी पत्रकार बन जाऊं। कभी युगल प्रेमी जोड़ों को तो कभी दरोगा सा चोरों को, रोब जमाकर खूब धमकाऊं, क्यों ना मैं भी पत्रकार बन जाऊं। कभी पक्ष में तो कभी विपक्ष में, कभी तारीफों में तो कभी तोहिनों में, मशहूर तो कभी आम कर जाऊं, क्यों ना मैं भी पत्रकार बन जाऊं। अंतिम पंक्तियां हैं, हो जाऊं बिन पत्र वकार, हजरत बम के घोड़े पर सवार, शहर की पंक्तियां यूं मुकम्मल कर जाऊं, क्यों ना मैं भी पत्रकार बन जाऊं, क्यों ना मैं भी पत्रकार बन जाऊं। अंत में माही की दो पंक्तियां, तुम्हारी यादें पतंग हो जैसे, जितनी ढील देता हूँ उतनी ऊंची लहराती है, यही चुप रहूं तो बोल भाई। हो सके तो जल्दी से भर दो ये दरारे, हो सके तो जल्दी से भर दो ये दरारे, बरसाती सीजन में इनमें बिच्छू रहने आते हैं। ढूंढने से क्या नहीं मिलता, उनसे मिलकर चला उतरने पर खो जाता है। सही बात। जी हाँ, प्यार इसी तरह हो रहा है और अपनी किस्मत पर रो रहा है। नशीला सांप इन्हें घसे, नशीला सांप इन्हें घसे, कैसी मुश्किल में ये फंसे, दुनिया पर ये फूट फूट कर हंसे। प्यासी धरा यह कर तुमको तन गोरा क्या करना। बहुत बहुत धन्यवाद।
दिलीप वशिष्ठ जी आपका परिचय करा चुके हैं, आपको मेरा सादर नमन है, नमस्कार है और आपका स्वागत है, अभिनंदन। जो संचालक हैं उनकी मनोदशा भी ऐसी ही रहती है, वो समाज में जहां यह कहे पुकार मेरे भारत थे, बंद कलियों को खोल सकता हूं। कि जहां मैं किस कदर आज में मर गया, क्या कहूं कि कत्ल कर दिया गया। आन मिलो सजना, डुल रहे हैं जो अनेक वृक्ष, उन्हें फैलने का वर दो। रस शोक रहा भीम गाय वृक्ष, पर वो खुद एक झूठा चेहरा है, क्या सच बता सकता है। दुनिया की इस भीड़ चाल में हर कोई मुखौटा लिए घूमता है, इसलिए मुझे कष्ट, मैं नहीं चाहती तुझे कष्ट हो। मैंने तुझे शुद्ध जलवायु दी, तू भूखा न रहे, वृक्षों पर फल लगा दिए, फल सजा दिए।